हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे वी विल रीड क्लास 9 मैथमेटिक्स ऑफ एक्सरसाइज 2.5। इन प्रीवियस वीडियो वी ऑलरेडी स्टडी क्वेश्चन नंबर फ्रॉम 1 to 4, यानी ये चैप्टर हम लोग प्रीवियस वीडियो में पढ़ रहे हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.5 का। फैक्टोराइज़ दिया है 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। ओके, तो इसको देखिए हम फैक्टराइज कैसे करने जा रहा है। फॉर्मूला पर नहीं, हम लोग ज्यादा फॉर्मूला करेंगे। देखिए ए इसको बी और इसके साथ इसको ले लेंगे ए बी को, यानी कि 4x दिया है तो इसको हम 2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर, नहीं बड़े स्क्वायर के लिए, प्लस 12xy प्लस 16z² माइनस 24yz माइनस 16xz, इतना लिखने में तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए इसको यहाँ हम अरेंज कर लिए, इसको यहाँ बाकी चल रहा है। ये देखिए 2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस 2 × 2x × 3y, देख लीजिए 2 × 4 = 12xy आ गया, प्लस 16z² माइनस 24yz माइनस 16x। ये देखिए फॉर्मूला पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 में क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि 2x प्लस 3y कोई प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, माइनस होता तो माइनस है, बाकी बच गया 16z को हम क्या कर सकते हैं, ये 4z का होल स्क्वायर लिख देंगे माइनस 24yz माइनस 16xz। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab या ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग ऐसे फैक्टराइज कर रहे हैं तो ताकि ये कैंसिल हो जाए, यानी कि ये फॉर्मूला जो हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab वाला लगा दीजिए, ए के प्लेस पर 2x प्लस 3y ए माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि माइनस 4z का होल स्क्वायर प्लस 2ab 2 × 2x प्लस 3y इनटू 4z ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab हो गया, ये ए और ये बी और माइनस ये जब तक चले दीजिए 24yz माइनस 16x। अब देखिए ये लिख लीजिए, बाकी उसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 4z का स्क्वायर प्लस 2 से मल्टीप्लाई 2 × 4x प्लस 6y इनटू 4z माइनस 24yz माइनस 16x 4z से मल्टीप्लाई
फोर से फोर में कर देंगे 16x ये कितना था जेड एक्स जेड प्लस फोर सिक्स ट्वेंटी फोर वाई जेड ठीक है 24yz माइनस 24yz माइनस 16xz ये देखिए 16xz से ये कट गया और इससे ये कैंसिल यानी आपका आ गया 2x प्लस 3y प्लस 4z का स्क्वायर यानी फाइनली आपका ये हो गया 2x प्लस 3y प्लस 4z इनटू 2x प्लस 3y प्लस 4z ये आपका फाइनली फैक्टराइजेशन है यही आपका एप्रोप्रिएट सॉल्यूशन है ये नहीं कि आप आइडेंटिटी का यूज करके और डायरेक्टली आप ऐसे बनाए बेहतर होगा। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन हम लोग सेकंड देख रहे हैं ये तो बता दें तो आप लोग देख लीजिए लिख लीजिए बिटा देना ओके बिटा दे क्वेश्चन सेकंड दिया 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस xz स्क्वायर माइनस 2 अपॉन 2xy प्लस 4 अपॉन 2yz माइनस 8xz ये आपका क्वेश्चन सेकंड है। अब देखिए इसको सॉल्यूशन करें आप लोग इजी वे को सॉल्व करने के लिए जो लाइन होता है उसको एक साथ कर दीजिए पहले का भी सवाल लाइन करने पॉजिटिव वाला है या नेगेटिव वाला उसको एक साथ बाकी जो सिंगल है उसको अलग कर दीजिए। तो देख लीजिए इसको हम लोग प्लस वाला इसमें ले लेंगे वाई जेड यानी वाई और जेड ये वाला हम लोग एक साथ कर देंगे यानी कि देखिए ये 2x स्क्वायर हो गया प्लस y का स्क्वायर प्लस 2 अंडर 2z इसका स्क्वायर समझ में आ रहा है ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बाद में ये वाला कर दीजिए प्लस 4 अंडर 2yz माइनस 2 अंडर 2xy माइनस 8xz समझ में आया। तो ये देखिए ये 2x का स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2 अंडर 2z का स्क्वायर ये प्लस 2 into y into 2 अंडर 2z इसको हम तोड़ सकते हैं देखिए 2 जब 4 अंडर 2yz दिया है 2 अंडर 2yz उसके बाद ये लिख दीजिए माइनस 2 अंडर 2xy माइनस 8xz अब ये आपका दिया गया है अंडर 2x इसका स्क्वायर हो सकता है यहां से यहां तक ये फॉर्मूला है इस पर a प्लस b का होल स्क्वायर यानी कि प्लस y प्लस 2 अंडर 2z का होल स्क्वायर हो जाएगा ना a प्लस b का होल स्क्वायर यहां से यहां तक है बाकी ये वाला माइनस 2 अंडर 2xy माइनस 8xz अब देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है अभी जस्ट मैंने आप लोगों को बताया है a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 2ab या a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2 कौन सा यहाँ फॉर्मूला रखेंगे
रखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस टू, यानी कि a ये हो गया और यहाँ से यहाँ तक b ये हो गया, तो अंडर रूट टू एक्स माइनस वाई माइनस टू अंडर रूट टू जेड का होल स्क्वायर हो गया। क्या हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस टू एक्स इंटू टू इंटू अंडर रूट टू एक्स इंटू बी y plus 2 under 2z minus 2 under 2xy minus 8xz, समझ में आया? तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए, बाकी ये हमने तय कर दिया, under 2x minus y minus 2 under 2z का होल स्क्वायर प्लस 2 अंडर 2x में y से करेंगे, 2 अंडर 2xy 2 अंडर 2xy फिर 2 अंडर 2x से इसमें करेंगे, तो ध्यान से देखिए 2 में 2 से होगा 4, अंडर 2 में अंडर 2 से 2, 4 2 जाए 8xz प्लस 8xz बच गया, और क्या माइनस 2 अंडर 2xy माइनस एट एक्स जेड, एक्स जेड से ये कैंसिल हो गया, बच क्या गया अंडर रूट टू एक्स माइनस वाई माइनस टू अंडर रूट टू जेड इसका होल स्क्वायर, इसको डबल टाइम्स लिख दीजिए अंडर रूट टू एक्स माइनस वाई माइनस टू अंडर रूट टू जेड वन टाइम्स अगेन अंडर रूट टू एक्स माइनस वाई माइनस टू अंडर रूट टू जेड, यह टर्म फाइनली आंसर। इसका एक और जवाब आ सकता है, कितना माइनस अंडर रूट टू एक्स प्लस वाई प्लस टू अंडर रूट टू जेड, क्या होता है क्या माइनस अंडर रूट टू एक्स प्लस वाई प्लस टू अंडर रूट टू जेड, इन दोनों में से ये आंसर का ये ही आइए वो तारीख को। तो आपका क्वेश्चन नंबर सिक्स सब होगा है फाइव, क्वेश्चन नंबर सिक्स देख लीजिए, तो क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स करा, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है फर्स्ट 2x प्लस 1 का होल क्यूब, तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म फैक्टर फॉर्म में नहीं, तो आप लोग जानते हैं a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है, वी नो दैट a प्लस b का होल क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, समझ में आ रहा है? तो a क्यूब यानी कि 2x का होल क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब प्लस 3 इनटू 2x का होल स्क्वायर इनटू 1 प्लस 3 इनटू 2x इनटू 1 का स्क्वायर, कर लीजिए 2x का पावर 3 यानी कि 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 3 इनटू 4x स्क्वायर इनटू 1 प्लस 3 इनटू 2x इनटू 1 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 3 4 जा 12x स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6x, दैट सम दिया आपका फाइनली आंसर है क्वेश्चन नंबर सिक्स का फर्स्ट। इसका सेकंड आप कर लेंगे a माइनस b के होल क्यूब पर है, कर दो वीडियो लॉन्ग तो नहीं ना हो रहा है, चलिए इसका सेकंड भी मैं कर दे रहा हूं, से
सेकंड कितना दिया है 2a माइनस 3b होल क्यूब। तो आप लोगों को पता है a माइनस b का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस b का होल क्यूब a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। We know that application. तो a का वैल्यू लेने के 2a का पावर 3 माइनस 3b का पावर 3 माइनस 3 इनटू 2a का पावर 2 इनटू 3b प्लस 3 इनटू 2a इनटू 3b का स्क्वायर। ये हो जाएगा 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 3 इंटू 4a स्क्वायर इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2a इंटू 9b स्क्वायर। आपका यह आ गया 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 3 4 जा 12 12 3 जा 36 a स्क्वायर b प्लस 3 2 जा 6 9 जा 54 ए बी एस। दैट्स ऑल, आपका सेकंड भी बन गया। नाउ ये सब क्वेश्चन थर्ड, क्वेश्चन थर्ड कितना दिया है 3 बाय 2 एक्स प्लस 1 3 बाय 2 एक्स प्लस 1 तो वी नो दैट ए प्लस बी का होल क्या होता है निकालना। ऑलरेडी तो मैं इस तरह का वैल्यू भी कम कर दे रहा हूं। ए का वैल्यू है 3 बाय 2 एक्स का प्लस 1 का प्लस 3 इंटू 3 बाय 2 एक्स का होल स्क्वायर इंटू प्लस 3 इंटू 3 बाय 2 एक्स क्या मेरे त्रि त्रि जब आए त्रि जा त्रि सेवन फाइव एट एक्स प्लस फोर प्लस थ्री इनटू नाइन बाय फोर एक्स स्क्वायर इनटू वन प्लस थ्री इनटू थ्री बाय टू एक्स इनटू वन कितना हो गया 27 बाय 8 एक्स क्यूब प्लस 4 प्लस 3 नहीं जा 27 बाय 4 एक्स की प्लस 3 थ्री जा 9 बाय 2 एक्स। दैट्स ऑल। 2.5 पे 6 का थर्ड दिया गया। फोर्थ क्या दिया है, एक्स माइनस टू बाई थ्री बाई एक्स माइनस टू बाई थ्री बाई का तो फॉर्मूला यही रहेगा माइनस थ्री का होल क्यूब। तो एक्स का होल क्यूब माइनस टू बाई थ्री बाई का होल क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2 बाय 3 वाई प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 बाय 3 वाई का स्क्वायर। ये हो जाएगा एक्स के पावर 3 माइनस 2 2 जब 4 2 जाए 8 बाय 27 वाई क्यूब माइनस 3 से ये 3 कैंसिल
2x स्क्वायर वाई प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 4 बाई 9 वाई स्क्वायर, 3 से 3 टाइम्स ये आ गया एक्स क्यूब माइनस 8 बाई 27 वाई क्यूब माइनस 2x स्क्वायर वाई प्लस 4xy स्क्वायर बाई 3। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन 6 का प्रूफ तक सॉल्व हो गया। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो तो लंबा बहुत हो गया, अपलोड करने में बहुत टाइम लगेगा। तो आज का क्लास इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।